कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ये कहानी है दिल्ली एनसीआर में पूर्वांचल वासियों के बीच भीष्म पितामह कहे जाने वाले जय जय राम सिंह की। मेरा नाम जय जय राम सिंह है, मैं ग्राम कोरियामा पीएस गढ़पुरा जिला बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ। आरबीएम न्यूज को आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इसके उपलक्ष्य में आरबीएम टीम को सुनंदा प्रताप को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएं और हम उनको देखकर खुश होते रहें। बेगूसराय बिहार से चलकर दिल्ली एनसीआर में अपनी पहचान बनाने वाले जय जय राम सिंह से आज आपकी मुलाकात गुड़गांव के पटौदी में करवा रहे हैं, जो अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे। गुड़गांव में इनकी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिनकी सेवाएं डीएलएफ जैसे बड़े बिल्डर तक ले रहे हैं, और बिजनेस के साथ साथ इनकी पहचान एक बड़े समाज सेवी के रूप में भी है। और जो बताएंगे कि ये इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। मैं दिल्ली 1980 में आया था, छोटे मोटे काम करते थे। उसके बाद में 96 में डीएलएफ की हम पर कृपा हुई, उसके मालिक मेरी ईमानदारी पे, मेरे मेहनत पर खुश हो गए। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट से मैं आज इस मंजिल पर पहुंचा। आप जो गेटवे टावर देख रहे हैं उसको मैंने 7 महीने कंप्लीट किया, एरेक्शन 9 महीने में टावर देख रहे हो डीएलएफ में किया, डीएलएफ स्क्वायर 12 महीने में कंप्लीट किया। 5 नंबर बिल्डिंग है जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, करीब 40 लाख स्क्वायर फुट बिल्डिंग है, जिसको मैंने 20-22 महीने में पूरा किया। और मेरा एक सिद्धांत था और अभी भी है, अभी तो जितना मैं कमाऊंगा उसका 10-15% मैं समाज सेवा में गरीबों में दान कर दूंगा। पूरा हरियाणवी बन जाओगे तो राजनीति में आ जाओ, लेकिन बने रहोगे बिहारी, बने रहो पूर्वांचली हैं, तो कैसे आप इसमें घुसोगे, राजनीति में कैसे आओगे। समाज में हमारे पूर्वांचल भाई लोग हैं, किन्हीं में एकता है ही नहीं, आज राजनीति में जाना चाहते हैं, क्या उनमें एकता है। मुझे कोई हीरो पसंद, देखिए जितना भी हीरो कमाते हैं पैसा बहुत कमाते हैं, देश के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं, समाज को कमा रहे, समाज से पैसा ले रहे हैं, लेकिन समाज को दे क्या रहे हैं वो लोग। लेकिन बिहार क्या करेगा, जहाँ पर घुसखोरी हो, बिना पैसा कोई काम ही नहीं हो, जो भी हमारे समाज सेवी कहते हो या जो राजनीति में आ रहे हैं, वो मुखिया हों, सरपंच हों, एमएलए हों, परसेंटेज तो लूटने के लिए आते हैं। देखिए जैसे कि ओल्ड एज में सभी आदमी को घर छोड़ के जंगल में चला जाना चाहिए, हमने भी अपने स्वास्थ्य के लिए, शुद्ध हवा के लिए, शुद्ध पानी के लिए, शुद्ध सब्जी के लिए, शुद्ध खाने के लिए, सब ऑर्गेनिक चीज़ हम यहाँ खाते हैं, कोई मार्केट से लेकर नहीं खाते हैं, टोटल ऑर्गेनिक खाना होता है, ये मेरा सबसे बड़ी चीज़ है। इस मुकाम पहुंचने के लिए बहुत ही कष्ट, दुखदाई जीवन व्यतीत करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, रात दिन काम करना पड़ा, भूखे रह करके, बिना नहाए सोनाए बाल बच्चे को छोड़ करके मेहनत करते थे। जब मुझे कोई ऑफिसर पूछता था जयराम बेटा तुम्हारा कितना बड़ा है, तो मैं बोलता इतना बड़ा, इतना इतना बड़ा। मैं अपने ज़िंदगी में 16 घंटा से कम कभी काम नहीं किया है, 16 घंटा से किसी हो तो 36 घंटा में काम पर ही लगा रह जाता था, घर नहीं जाते थे। सफलता सबसे बड़ी चीज़ है, मेहनत ही सफलता का मेन कुंजी है, और उसके साथ जो ईमानदारी रखेगा, जो अपने जिसके साथ काम कर रहा उसके साथ ईमानदारी साथ काम करेगा, वो आदमी सफल जरूर होगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है। हमें भी सफल होने के लिए 20 साल टाइम लगा। 1968 से मैंने काम कर रहा हूँ, उससे पहले मेरे भाई साहब काम करते थे,
68 के बाद 2001 में DLF ने मेरे को एक तरह से अडॉप्ट कर लिया। राजीव सिंह ने, उसने पूंजी दिया, उसने सब कुछ दिया, मेरी ईमानदारी पर उसने करोड़ों रुपया की मेरे पर इन्वेस्ट कर दिए, रिस्क ले लिया, करोड़ों रुपये की मशीन सेटिंग मटेरियल सब मुझे ऐसे दे दिया, और धीरे धीरे उन्होंने पैसा हमसे काटा। अभी तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, DLF में चल रहे हैं, बाटिका में चल रहे हैं, कॉन्टिनेंट में चल रहे हैं, NBCC में चल रहे हैं, ये सब जगह और कई एक जगह चल रहे हैं। अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, बच्चे सब देख रहे हैं इस काम को, बच्चे पर मैंने सब काम को छोड़ दिया है। इससे पहले मैं छोटे छोटे काम बहुत कंपनी में काम, DLF में तो मैं 96 में काम शुरू किया हूँ, उससे पहले 1896 तक मैंने एटवाल कंपनी था, सोमदत्त था, अनेकों कंपनी में मैंने काम किया, यूनिटेक था, अंसल था, मैंने ऐसे बहुत जो इतने बड़े बड़े कंपनियां करीब करीब मैंने सब में काम किया था उस टाइम के। सक्सेस का श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, सक्सेस का श्रेय तो मेरे मेहनत को है, मेरी ईमानदारी को है, और साथ में कुछ मेरे दोस्त थे जो मुझे चाहते थे जल्दी सक्सेस हो, जो ईमानदार दोस्त थे, ऑफिसर ईमानदार थे, दोस्त नहीं ऑफिसर ईमानदार थे, वो मुझे बहुत मदद करते थे। जो चोर जो बेईमान अफसर था उससे मुझे कभी पटरी नहीं खाता था। अगर दोनों साथ जोड़ लेंगे, बिहार को अपने गाँव को भी जोड़ लेंगे और गुड़गांव को भी जोड़ लेंगे, जहाँ रह कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दोनों का आप जोड़ के चलते हो तो आप सक्सेस नहीं होगे, एक को छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने एक तरह से अपने गाँव के घर को त्याग दिया, सब कुछ है, संपत्ति है, सब कुछ वहाँ है, लेकिन मैं उसको छोड़ दिया, वो देखा जाएगा जब आएगा तो आएगा। उसे बचपन से मेरी आदत है गरीबों को मदद करना, समाज में कोई काम हुआ तो जितना बने उतना सहयोग देना, और मेरा एक सिद्धांत था और अभी भी है, अभी तो जितना मैं कमाऊँगा उसका 10-15% मैं समाज सेवा में गरीबों में दान कर दूँगा। पूर्वांचल समाज को यहाँ राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हरियाणा समय आने पे, जब समय आ जाएगा तो आना चाहिए, अभी समय आया नहीं है। अगर उथल पुथल कर रहे हो, जब घुस जाओगे पूरा हरियाणवी बन जाओगे तो राजनीति में आ जाओ, लेकिन बने रहोगे बिहारी, बने रहो पूर्वांचली हैं, तो कैसे आप इसमें घुसोगे, राजनीति में कैसे आओगे? नमस्कार, मैं साक्षी मिनोरी, आप देख रहे हैं RBM न्यूज़। नमस्कार, मैं निशा वशिष्ठ। RBM न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। RBM न्यूज़, हमेशा सच के साथ।